Adios. जैसा कि आपको विदित है कि विगत 8 तारीख की शाम को एक धार्मिक जुलूस के ऊपर एक क्षेत्र विशेष में पथराव किया गया था। पथराव के बाद एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी क्षेत्र विशेष में। प्रशासन ने तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करते हुए धारा 144 के तहत जो भी आवश्यक कदम थे वो उठाए गए। आरोपियों को गिरफ्तार करके क्षेत्र में उनको जेल भेजने की कार्यवाही भी मान ली न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए की जा चुकी है। इसमें जो मुख्य आरोपी था उस आरोपी के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा भी जानकारी एकत्र की गई। अवैध निर्माण पाए जाने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। अभी इस तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं आई है। अगर स्थानीय निकाय से इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर